अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाय हेलो आदाब, आप सब को खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है ए जे चैनल में। नाज़रीन, आज हम आपको एक नुमाइश में ले चलते हैं। जी हाँ, यौम हाफिज शिराज़ी के मौके पर सानाजंग म्यूज़ियम के वेस्टर्न ब्लॉक में शिराज़ कैलीग्राफी फोटो एग्जीबिशन और उड इनले की नुमाइश है। नाज़रीन, हम आपको बताएंगे, आप ध्यान से देखिए और पेंटिंग का ज़ौक़ शौक़ जो रखते हैं और फ़नून लतीफ़ा में पेंटिंग का एक ख़ास मुकाम है, तो इस नज़रिए से देखें तो यकीनन आपको ये नुमाइश आंखों को खीरा करने वाली और बेहतरीन पुरकशिश और अट्रैक्टिव लगेगी। तो आइए चलते हैं इस एग्ज़िबिशन में और देखते हैं। नाज़रीन, हम अंदर नुमाइश में दाखिल हो रहे हैं, आप देख सकते हैं एक है बोर्ड सियासत आर्ट गैलरी का और एक शिराज फोटो एग्जीबिशन या फिर लाइव उड इनले, और आप देख सकते हैं लोग यहां पर देख रहे हैं शिराज एग्जीबिशन की लगी तस्वीर को और उसकी मुखालिफ जानिब है सियासत आर्ट गैलरी की कैलीग्राफी यानी लकड़ी पर काट कर खुशखती में अच्छे खत के जरिए खूबसूरत टुकड़े बने हुए हैं। आप देख सकते हैं लोग आ रहे हैं, आप देख सकते हैं जोख दर जोख उसका मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं गौर से। और नाज़रीन, जैसा कि हम आपको बता दें, ये वेस्टर्न ब्लॉक में सरावन म्यूजियम में इस शिराज फोटो एग्जीबिशन और उड इनले या फिर सियासत आर्ट गैलरी के इन कत्ताती के नमूनों को रखने के लिए इस वेस्टर्न ब्लॉक का इंतखाब किया गया है, जहां लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं। क्योंकि नाज़रीन, दोनों जानिब अलग अलग अंदाज से लगे हुए हैं, एक जानिब शिराज एग्जीबिशन की मुख्तलिफ तस्वीर जिसमें मुख्तलिफ इमारतों, मुख्तलिफ बागात और मुख्तलिफ महल्लात का तस्करा है और खूबसूरत रंगीन तस्वीर है, और दूसरी जानिब है ये कत्ताती के नमूने जिसको लकड़ी से काट कर उन हरूफ को एकजा करके खूबसूरत अंदाज में बनाया गया, देखने में बहुत ही पुरकशिश और लाजवाब। खवातीन हजरात देख रहे हैं, नाज़रीन आप देख सकते हैं और इस आर्ट के पीछे जितनी अरखेजी, जितनी मेहनत, जितनी जुस्तजू, जितनी लगन होती है, ये वही जान सकते हैं जो इस काम से अपने आप को मरबूत रखे हुए हैं या इस काम में इनहमाक से जुड़े हुए हैं। तो नाज़रीन, हमें आंखों को फरहत बख्शने वाले ये तमाम टुकड़ों के पीछे काफ़ी मेहनत है और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, आइए हम उनके जरिए भी जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, लोग बाहर से भी सयाह आकर इस नुमाइश का अहतमाम कर रहे हैं, क्योंकि नाज़रीन ये नुमाइश बिल्कुल मुफ्त थी, कोई टिकट या फिर कोई दाखिले की कोई क्या कहना चाहिए फीस अदा करने की ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल मुफ्त नुमाइश ये फराहम की गई थी ताकि आवाम इसे देखें और लोग आकर इसे देखते गए। और नाज़रीन, ये नुमाइश 10 दिन के लिए मुनाकिद की गई और इसमें लोग अपनी अपनी छुट्टी या फिर अपनी फुर्सत के एतबार से और अपने, जैसा कि आपने देखा कि जुनूबी जानिब शिराज कैलीग्राफी के तस्वीर लगी हुई हैं और इधर में सियासत आर्ट गैलरी के कैलीग्राफी के मुख्तलिफ चीज़ें लगी हुई हैं। आइए इस कैलीग्राफी के मुताल्लिक जानते हैं, कैलीग्राफी के माहिर एक साहब हमारे सामने मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। तो नाज़रीन, हम जानने की कोशिश करते हैं, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अनवर है। अनवर साहब, आप हमें ये बताइए कि ये आर्ट क्या है? ये कैलीग्राफी को उर्दू में तब्दील किया गया है, उसमें उर्दू मतलब हाथ से काट के ये उसकी डिज़ाइन बनाते हैं लकड़ी से। अच्छा, यानी जो बरू कलम से जो लिखते हैं आर्ट की शक्ल में खुशनुमाई से जी, आप इसे चकले के लकड़े पर काटते हैं? माशाल्लाह जी, हाथ से काट के बनाते। मैं देख रहा हूँ इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम है, मुख्तलिफ माशाल्लाह और जो है खुदा की तारीफ बताई गई है, खुदा की हमद बताई गई है, और आपके पीछे जो है कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और मुख्तलिफ बातें लिखी गई, आप ही बनाते हैं? ये मैं और हमारे साथी बनाते हैं, मोहम्मद मज़र नाम है उनका। जी जी जी, सियासत आर्ट गैलरी में काम करते हैं। अच्छा अनवर साहब, मान लीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़ा ही खुशनुमा अंदाज में लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कि एक कश्ती है, ये बोट टाइप में है, इसको बनाने के लिए आपके पास कितना वक्त लगेगा?
3-4 घंटे लगते हैं। और मैं समझता हूँ इसके लिए कंसंट्रेशन, ज़हनी इरतकाज और बिल्कुल पूर्ण कंपोज रहकर बनाना पड़ता है, पूरी तवज्जो के साथ है जी। ठीक है, अच्छा ये कैलीग्राफी जो लकड़ी से बन रही है अपना रहे, इसको सीखने के लिए अगर कोई आना चाहे तो आप उन्हें क्या मशवरा देंगे? हमारे ऑफिस में एक समर कैंप में सिखाते हैं, सियासत ऑफिस में। अच्छा, हॉलीडेज में समर कैंप जब लगता है जब सिखाते हैं कैलीग्राफी वो सिखाते हैं। अच्छा, इसकी फीस वगैरह कुछ आइडिया आपको? वो आइडिया नहीं। अच्छा, वो तो इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जानते हैं, और आपका काम है सिखाना। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आप जरा हमें ये बताइए आपका काम कहाँ से कहाँ तक है? आपने बताया कि यहाँ से है जी, ये कोने से जी वो कोने तक सियासत आर्ट गैलरी का। चलिए चलिए देखते हैं आपके साथ। ये थोड़ा मुख्तलिफ लग रहा है, ये क्या है? ये निर्मल आर्ट है। अच्छा अच्छा, ये निर्मल आर्ट और पेंटिंग के लिए निर्मल काफ़ी मशहूर है। और ये लोहे पुरानी ये तमाम आप लोगों का काम है। ये क्या है? ये वुड पेंटिंग है। वुड पेंटिंग में नेचुरल आर्ट, नेचुरल कलर है ये। अच्छा, ये पीसेस टुकड़े टुकड़े पीसेस जमा के बनाते हैं जी। यहाँ पूरा मदीना मुनव्वरा है ये। अच्छा अच्छा, मदीना मुनव्वरा का माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी कैलीग्राफी है। अच्छा, ये भी कैलीग्राफी है। ये भी कैलीग्राफी है। ये मैं सोचता हूँ कलम से लिखी गई है ना? ये लकड़ी का। वो भी लकड़ी है? बम्बू से। अच्छा, बम्बू से। वाह सुभान अल्लाह, बम्बू आर्ट जी। पूरे लकड़ी का चक्का है जी। कारचप का है। अच्छा अच्छा, जरी का काम करता है जी जी जी। एक ये तमाम आपका काम है जी जी। ये पूरा सियासत आर्ट एग्जीबिशन को देखने के लिए लोग मुख्तलिफ मुकामात से आते हैं। और ये लोग कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, आइए जानते हैं। आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद अली मंडोल है। आप? मुस्लिम इना कुबेगम भाई। आप कहाँ से आए? कलकत्ता से आया। कोलकाता से आए हैं। आपको ये शीराज एग्जीबिशन कैसी लगी? अच्छी है, अच्छा से लगे। नहीं तो मोहम्मद होता है तो मोहम्मद को अल्लाह को नाम मेरे से दिल के भर जाएगा है। यानी अल्लाह का नाम बड़ी खुशनुमा और बेहतरीन अंदाज में लिखा गया है। आपको बहुत पसंद आया है? दिल के अंदर है, अल्लाह को नाम मोहम्मद का नाम है जी 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 जी। और उसको यहाँ पे खूबसूरती से डिस्प्ले में किया गया है, बताया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आपको। थैंक यू। आपने देखी शिराज फोटो एग्जीबिशन और उड इनले या फिर लकड़ी की कैलीग्राफी और उसके नमूने। जी हाँ, शिराज फोटो एग्जीबिशन में आपने देखी मुख्तलिफ तस्वीर और उड इनले में आपने देखी लकड़ी के तोहरे कैलीग्राफी बनाई गई। सियासत आर्ट गैलरी के शाहकार नमूने हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हम आपसे रुख्सत लेते हैं और आपसे एक तमाश करते हैं, गुजारिश करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग पहली बार ईडी चैनल देख रहे हैं बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल यानी घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा सबको खुश रखे, सेहतमंद रखे। खुदा हाफिज़। गुड बाई। टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।